हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में भी। तो इंडिया और चाइना जो है वो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट किए हुए थे, यानी कि कुछ महीनों पहले जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट है उसके बारे में जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में ही हैं। ग्राउंड पर कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं की जा रही हैं, यानी कि जो बाकी के एरियाज़ है, यानी कि डेपसांग हो गया, अपर प्लेट्यू हो गया, इन सभी एरियाज़ पे जो डिसएंगेजमेंट है वो यहाँ पे चाइना की तरफ से नहीं किया गया है। साथ ही साथ चाइना की तरफ से जो खबरें निकल के आती हैं वहाँ पे ये कहा जाता है कि इन सभी चीज़ों को जो लोकल कमांडर लेवल है वहाँ पे सॉल्व किया जाना चाहिए। और जब भी इंडियन कमांडर्स इस चीज़ का यहाँ प्रयास करते हैं, यानी कि इस चीज़ की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे चाइनीज़ कमांडर की तरफ से जो डेट्स हैं वो फिक्स नहीं की जाती हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ जो बहाना है वो यहाँ पे देकर इन सभी चीज़ों को टाल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है इस सिचुएशन को थोड़ा और लंबा यहाँ पे खींचना चाहता है और इस बॉर्डर है उसको थोड़े दिन और जो है यहाँ पे हॉट रखना चाहता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना ने जो अपने ट्रूप्स हैं उसको डिप्लॉय किए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो फाइटर जेट्स हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, हैवी जो व्हीकल्स हैं, साथ ही साथ टैंक्स जो हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बैकअप में भी रखी गई हैं। सेम एज इंडिया के साथ भी यही कंडीशन है, इंडिया ने भी बैकअप में ट्रूप्स रखे हुए हैं, टैंक्स भी डिप्लॉयज़ हैं, आर्टिलरीज भी डिप्लॉयज़ किए गए हैं। साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वहाँ पे 50,000 जो ट्रूप्स हैं वो इंडिया ने LAC की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं, यानी कि 50,000 और ट्रूप्स जो है वो LAC पे डिप्लॉय किए गए हैं, जहाँ पे जो टोटल ट्रूप्स की जो संख्या है वो 2,00,000 के करीब करीब पहुँच चुकी है। यानी कि टोटल 2,00,000 ट्रूप्स इंडिया की तरफ से हैं, टोटल 2,00,000 ट्रूप्स जो हैं वो चाइना की तरफ से हैं। साथ ही साथ बैकअप में जो ट्रूप्स हैं वो और अलग से। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप देखोगे तो बॉर्डर जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हॉट है और चाइना जो है वो यहाँ पे इसको और लंबे समय तक खींचने के प्रयास में लगा हुआ है। इन सभी चीज़ों का जो कारण है उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जो जनरल विपिन रावत हैं और साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे LAC का जो दौरा है वो यहाँ पे कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने फ्रंट लाइन जो दौरा है वो भी यहाँ पे किया था और जो प्रिपेयर्डनेस है उसको यहाँ पे चेक किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि जो चाइना है वो पॉसिबल है कि कभी भी वॉर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो एक और फैक्टर आता है वो यहाँ पे ताइवान का आता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा चाइना ने यहाँ पे कई बार जो जेट्स हैं वो ताइवान के ऊपर से फ्लाई किए हुए हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी की हुई है कि ताइवान पे कैसे कब्जा करना है। साथ ही साथ चाइना का जो इंटेंशन है वो भी साफ साफ नज़र आता है। तो पॉसिबल है कि चाइना ताइवान को इवेट करेगा 1 से 2 सालों के अंदर। इस वजह से जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे जो उनके वेस्टर्न बॉर्डर हैं वहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर को यहाँ पे सुरक्षित करना चाह रहे हैं कि अगर वो कभी ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि ताइवान को इवेट करें तो वहाँ पे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको यहाँ पे इंडिया ओपन ना कर दे, यानी कि कोई ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट ना कर दे। तो इन सभी चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ निकाली जा सकती हैं। साथ ही साथ चाइना ने जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो यहाँ पे अपने ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक लगाई हुई हैं, जिससे कि जो उनके ट्रूप्स की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे थोड़ी फास्ट हो जाएगी। हालांकि मूवमेंट फास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उनके जो ट्रूप्स हैं वो ज़्यादा समय तक उतनी हाइट पर रुक सकते हैं। तो ये जो मेट्रो है ये थोड़े लंबे समय तक चलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस तरीके के सिनेरियो की, यानी कि वर्ल्ड में जो सिनेरियो बन रहा है वहाँ पर जो ग्रुप है वो पॉसिबल है कि फॉर्म होने लगा है। यहाँ पर जो चाइना है उसको लेके यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ बातें कही हैं। पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर है वो यहाँ पे दिया जा रहा था CPAC को लेके, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने सीधे सीधे शब्दों में ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कितना भी प्रेशर आ जाए हम यहाँ पे चाइना का ही साथ देने वाले हैं और उनके साथ ही हम खड़े होने वाले हैं। तो यानी कि मतलब ये है कि जो चाइना है पाकिस्तान हो गया, और अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं होती है US की तो पॉसिबल है कि यहाँ पर चाइना पाकिस्तान और ईरान का जो अलायंस है वो यहाँ पर पॉसिबल है कि फॉर्म होने वाला है आने वाले समय में। साथ ही साथ बात करें रशिया की तो रशिया पॉसिबल है कि न्यूट्रल भी रह सकता है और हो सकता है कि वो चाइना का भी साथ दे दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रशिया और इंडिया कम्प्लीटली एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। और इंडिया के साथ जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मिली हुई हैं और ये जो ग्रुप है ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में मिलिट्री ग्रुप भी बन जाए। क्योंकि भले ही ये बातें आज बचकानी लग रही हों, लेकिन चाइना जो है वो अलायंस फॉर्म कर रहा है पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, साथ ही साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी जो अलायंस है वो यहाँ पर फॉर्म किया है। तो इससे बेहतर है कि जो क्वाड है उसको मिलिट्राइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे चाइना को बीट किया है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। यहाँ पे जो इंडिया है वो 10th रैंक लेके आए हैं और साथ ही साथ चाइना को है वो कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ ये रैंकिंग जो है वो और भी बढ़ जाएगी इन फ्यूचर में, जब इंडिया की साइबर सिक्योरिटी जो कमांड है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाली है हिमाचल प्रदेश के रीजन में, जिससे कि जो साइबर वॉरफेयर की जो क्षमता है
वो यहाँ पे कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले सालों में। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।